शाहे और मामा रिवर क्रॉस कर रहे हैं ब्रिज से। ये देखे छोटू सा शाइम। जी डे टू, अब हम निकल रहे हैं जलखत के लिए और आप ये व्यू देखें किस कदर खूबसूरत व्यू है। ये सेकंड आपको जिस अनिता ने बताया और हम लोग जलखत के लिए निकल चुके हुए हैं। क्या खूबसूरत साइट सीन है और आप हवा फील कर सकते हैं आवाज़ से और क्या ही खूबसूरत। और ये क्या हमारी दूसरी पार्टी जलखत वाली साइड से आ रही है। ओहो ओहो, लेट्स सी क्यों आ रही है, देखते हैं। फिशिंग से पहले काशिफ ने गाड़ियां रुकवा दी रिवर राफ्टिंग के लिए। कितना स्पेक्टेक्युलर व्यू है यहाँ का और काशिफ चले गए हैं रिवर राफ्टिंग के लिए। The experience was indescribable and it was so amazing, but I'm sorry, मेरे पास कोई कैमरा ऐसा नहीं था जिसमें मैं आप लोगों को कोई वीडियो शॉट इसके अंदर से लेके मतलब करते हुए दिखा सकता। मैंने मेरे पास वाटरप्रूफ कैमरा उस पर कोई अवेलेबल नहीं था। बट वेन एवर यू कम ओवर हेयर इन नारान, डेफिनेटली यू मस्ट ट्राई इट। हमने जगह डिसाइड करनी है बारबेक्यू कैंपेन के लिए और लोकेशन जो है वो डिसाइड करेंगे सब। ये लोकेशन हमने डिसाइड कर ली है, नाउ ओवर टू निदा। ये आप देखें और भी हट्स हैं यहाँ पे, इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो ब्यूटीफुल। साथ ही साथ जैसे ही आप हट से बाहर निकलेंगे आपको रिवर का जो है बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलेगा और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। मुझे तो रिवर की जो आवाज़ आती है ना पानी की, आई लव इट। हम होटल वापस जा रहे हैं रात के लिए, कुछ अरेंजमेंट्स करने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो हम वहाँ से लेंगे। बॉयज़ पार्टी गई हुई है मीट लेने मार्केट से, तो मैंने सोचा कि मैं आपको अपने रूम से जो है व्यू दिखाऊं बाहर का, इसका मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। सब सामान लेने के बाद अब हम अपनी बारबेक्यू वाली लोकेशन पर वापस जा रहे हैं। सीख कबाब के लिए मसाला और दुम्बे की चांपो की कढ़ाई ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। हमारी गुड लक के काशिफ और सलमान भाई ने ट्राउट भी पकड़ ली। बॉनफायर के लिए लकड़ियां आपको यहीं से मिल जाएंगी नारायण बाजार से। मन पूरा करें यार। हाँ जी, कोयला एक ही जगह लकड़ी भी आ गई और कोयला भी आ गया। यहाँ पे कोयला बहुत महंगा मिलता है, व्यू आप देख सकते हैं। मज़ा तो इसमें है कि जो ट्राउट हमने पकड़ी है उसको साफ भी हम खुद ही करेंगे दरिया के पानी से, और ये ज़िम्मेदारी हमने काशिफ को दे दी और काशिफ इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट हैं। चिकन टिक्का और चिकन टिक्के का मसाला, सिल बट्टे का इंतज़ाम काशिफ खुद कर रहे हैं और वो भी नेचुरल पत्थरों से। बेहतरीन सिलबट्टा हमें मिल गया और ये हम अपने साथ लाहौर भी लेके आए हैं। अब लड़कियों का काम है मसाला लगाना। ट्राउट फिश है, इसको हम डिब्बे का मसाला लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है रिवर का, और यहाँ पे काम करने का और कुकिंग करने का तो मज़ा ही कुछ और है ना असना? ये हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है आपको? लवली, व्हेन आई एम लाइक डूइंग एनीथिंग अराउंड द रिवर कॉर्नर
आज की मजे की स्टोरी ये है कि ये हट जो है PTDC का हमने इसे हायर की है तकरीबन कोई 7-8 घंटे के लिए 5,000 रुपये में, ताकि फैमिली को कंफर्ट भी रहे, अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है या किसी ने रेस्ट करना है तो वो रूम में रेस्ट भी कर सकें, जो कि निदा आपको अंदर से दिखाती है। ये है हमारा रूम, पूरा वुडन बना हुआ है, और आप ये देखें कि इस रूम के मैं अभी दरवाजे में खड़ी हूँ और इधर से बाहर कितना खूबसूरत इसका व्यू है, और बिल्कुल सामने जो है दरिया है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, वेदर इज सो प्लेजेंट एंड इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और रात को बारबेक्यू के बाद हम वापस होटल चले जाएंगे सोने के लिए, पर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो शुरू हुई है। इब्राहिम, इब्राहिम इधर देखो, साइम काशिफ, चांपों की कढ़ाई तो इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बनेगी। Don't worry, I have the solution. So, चांपों की कढ़ाई के लिए काशिफ ने शेफ हायर कर लिया, और इस अमेजिंग रेसिपी को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये भाईजान है जिन्होंने मेरी हेल्प की है कढ़ाई बनाने में, हैं जी, और हमारे पास तो आग कम हो गई थी, तो उन्होंने इनसे यहाँ पे हमने एक मछली रेडी करा दी है। मैंने कोई हमें हमारे से बुरा तो नहीं लगा, तो इतने लगे थे बुरा है ना, जबरदस्त। तो कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है, अब हम चलते हैं अपनी लोकेशन के पे और देखते हैं दूसरी पार्टी क्या कर रही है। कर रही हूँ। चलो। इतना रास्ते में अंधेरा है, जंगल। ओह यस, रॉन्ग स्पॉट। हमारी है थोड़ी चाल। It's so dark over here. What number? कौन सी? 7. हमारी कौन सी? अरे फिर क्या है? हाँ? ध्यान से. मुझे तो नजर भी नहीं आ रहा. काशू, I can't see anything. What number 6 है ये? काशू, I can't see anything. चलो। सो बॉनफायर हमारा तैयार है इस मज़े मज़े की ठंड में, ताकि हम इसको एंजॉय करें पूरी तरह से। और ये हमारी ज़बरदस्ती लोकेशन है, बड़ा यहाँ पे हमें मज़ा आया और हमने पूरी तरह से भरपूर तरीके से यहाँ पे एंजॉय किया। तो अब बाकी का बारबेक्यू हम तैयार करेंगे, क्योंकि कढ़ाई तो हमारी रेडी है। वीडियो है।
और हमने इस ठंड में कढ़ाई को दोबारा से गर्म भी कर लिया। ये कहाँ जा रहे हैं, लगता है इन्होंने दरिया में कोई ख़ज़ाना छुपाया हुआ है। चलें देखते हैं। लो ख़ज़ाना मिल गया। और अब ये ख़ज़ाना क्या है ज़रा ये भी पता चलता है। अच्छा ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, क्योंकि दरिया का पानी बहुत ठंडा था तो काशिफ ने ये सॉफ्ट ड्रिंक्स जो है ना दरिया के पानी में रख दिए ताकि ये फुल चिल। दादा जो है वो पार्टी कर रही है अकेली बैठ के टी वी देखते हुए। ये लोकेशन हमारी आप देख सकते हैं और इट वॉज सो अमेजिंग सो गुड। ये हमारा सेकेंड डे था और असल चीज़ दिखाने के लिए ये है कि पाकिस्तान इज़ सो अमेजिंग। आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पे आके कैंपेन भी करनी चाहिए, इन्जॉय भी करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। बट येस हमारे होटल्स को मज़ीद इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट ट्रैवलिंग व्लॉग देखने के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Yeah.